ऑल आर वेरी वेरी वेलकम। आज अपन लोग चूने का पानी बनाना सीखेंगे, भाई चूने का पानी लाइम वाटर कैसे बनाया जाता है। अब घने टीचरों की भी डिमांड आई कि चूने का पानी बनाते हैं अपन लोग, तो ये हमारा क्या कलरलेस नहीं बनता है, रंगहीन नहीं बनता, हमारा सफ़ेद कलर का ये विलयन बनता है, तो वो कैसे रंगहीन बदलता है वो बात करेंगे। चूने का पानी होता है क्या, कैसे बनाते हैं, और इसको बनाया क्यों जाता है, एक टेस्ट होता है, किसका, CO2 गैस का टेस्ट होता है। उस टेस्ट को करने के लिए क्या होता है कि वो चूने के पानी में जब CO2 गैस प्रोवाइड करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण उसका रंग क्या हो जाता है, श्वेत रंग हो जाता है। तो ये जब हो जाए तो समझ जाएंगे हाँ वो गैस जो निकली थी वो कौन सी थी, CO2 थी, नहीं तो नहीं थी। ठीक है, अब आ जाओ देखो मैं थोड़ा सा बताऊँ कैसे क्या। अपन बोलते हैं कि एक मिनट, अपन ऐसे बोलते हैं कि ये जो CaO है, CaO इसको बोला जा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोला जाता है बिना बिना भुजा भुजा चूना। ठीक है, इसको बोला जाता है बिना भुजा चूना। और अपन बात करें भुजा हुआ चूना भी एक दूसरा आता है कि इसको अपन क्या करें, जल में घोलें यानी कि जल के साथ रिएक्शन करवाएं, तो यही बदल जाता है किसमें, CaOH का होल ट्वाइस में। इसको बोलने लग जाते हैं अपन लोग क्या, इसका नाम तो होता है क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वैसे बाकी इसको बोला जाता है भुजा हुआ चूना। क्या बोला जाता है, भुजा हुआ चूना। ठीक है, आगे की बात करते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि क्या अब इसमें इसका देखो ये तो होता है, देखो ये वाला तो होता है कैसा, श्वेत रंग का। और ये जो चूने का पानी बोल रहे हैं अपन लोग, इसी को ही बोला जाता है क्या लाइम वाटर। इसका रंग क्या होता है, ये होता है रंगहीन, कैसा होता है, रंगहीन प्रकृति का होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। अब सुने ध्यान से कि जब मैं इस चूने के पानी में CO2 गैस को प्रवाहित करवाऊंगा तो देखें आप लोग क्या बनेगा, यहाँ से जल निकल जाएगा, साथ में बचा CaO, इसमें जोड़ेंगे तो क्या बन गया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये बनने के कारण विलयन का रंग, ये जो रंगहीन था इसका रंग कैसा हो जाता है, श्वेत हो जाता है, और साथ में हमें क्या मिलता है, H2O मिलता है। ठीक है, अब ये टेस्ट करने के लिए हमें क्या जरूरी है, CO2 गैस की जरूरत है। तो अपन बात करें कोई सा भी ऐसा लवण जिसमें कार्बोनेट उपस्थित हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, CO2 गैस को मुक्त करता है, कैसे करेगा देखो जरा। जैसे अपने पास अभी एक लवण है अमोनियम कार्बोनेट का, अमोनियम कार्बोनेट का सूत्र है NH4 का होल ट्वाइस CO3, चेक कर ले एक बार, ये अमोनियम कार्बोनेट आपका सही है, अमोनियम कार्बोनेट का ये क्या आपका सूत्र हो गया। इसकी रिएक्शन करवाते हैं बोलो क्या, तनु H2SO4 के साथ, किसके साथ में, तनु H2SO4 के साथ में भी क्या करवा रहे हैं, तो देखो वो थोड़ा सा हिसाब लगा ले, ये दोनों पे प्लस का दो हो गया, इस पे क्या हो गया माइनस का दो, इन दोनों पे प्लस का दो हो गया, इस पे क्या हो गया माइनस का दो, तो इसको इसके साथ भेज दो, किसको, एक मिनट, इसको इसके साथ भेज दो और इसको इसके साथ भेज दो, भेजा तो क्या बना देखना एक बार, ऐसे कुछ बनेगा क्या, NH4 का होल ट्वाइस SO4, इसका नाम पड़ा अमोनियम सल्फेट, और साथ में मुझे क्या मिला H2CO3, क्या मिला H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, ये अस्थायी होता है, टूट जाता है तुरंत दो भागों में, क्या क्या, एक तो मिलती है CO2 गैस, ठीक है, और एक हमें मिलता है क्या, जल, क्या मिलता है, जल, और ये गैस आपको क्या करने के देने वाली है, टेस्ट देने वाली है, ये वाला ऐसे। तो अभी बनाते हैं अपन लोग चूने का पानी, कैसे बनाएंगे एक बार देखें ध्यान से। हाँ, तो अपने पास देखो यहाँ पे चूने का पानी बनाना है, तो यहाँ पे मैंने बोला सबसे पहले आपको क्या चाहिए, CaO चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए, तो अपने पास ये डब्बा है, इस डब्बे के अंदर आपके पास CaO है, बिना बुझा हुआ चूना इसके अंदर है। तो कैसे बनाना है एक बार ध्यान से देखें कि भाई ये लो अपन कुछ कागज़ ले लिया यहाँ पे, अब इसमें अपन लोग क्या निकाल रहे हैं, ज़रूरत के हिसाब से जितना अपन को बनाना है उस हिसाब से अपन देख लेंगे कितना हमें चूना चाहिए। तो आ जाओ लेते हैं, ज़्यादा अमाउंट आपको लेना है नहीं तो लेते हैं, थोड़ा सा ले लेते हैं। चूने का पानी बनाना सीख रहे हैं अपन लोग केवल, इसलिए थोड़ा अमाउंट ले रहे, ज़्यादा नहीं ले रहे, तो ये लो, ये मैंने थोड़ा सा अमाउंट इसका ले लिया भाई, अब बाकी इसको बंद करके रख दो। अब आ जाओ आगे क्या करना है, देखो अब मुझे क्या करना है, इस चूने के पानी का एक साफ बीकर मैंने लिया, देखो इसमें कुछ नहीं है, अभी साफ बीकर लिया, इस बीकर में मैं क्या कर रहा हूँ, इस बीकर में इस चूने को मैंने डाल दिया। अब आपको क्या करना है, इसका पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के लिए इसमें आंसू जल मेरे पास पहले से, थोड़ा सा मैंने इसमें पेस्ट बना लिया, पानी ले लिया, ये लो भाई मैंने ले लिया। उसके बाद इसको ग्लास रोड से मिला करके उसका क्या बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं। ध्यान रहे इसमें एक भी भाई दाने नहीं पड़ने चाहिए। लो मिला रहे हैं अपन लोग, हाँ भाई मिला रहे हैं। अब देखो आप देखो ये सफ़ेद कलर का हो रहा है क्या, रंगीन थोड़ी बोलोगे इसको तो सफ़ेद बोलोगे, कैसे बोलोगे, सफ़ेद ही बोलोगे ना,
अब मुझे क्या करना है, रंगीन विलयन मिलाना है भाई। चूने का पानी रंगहीन होना चाहिए मेरा, तभी तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने का अपन पहचान पाएंगे भाई, हाँ इसमें CO2 गैस गई है या नहीं गई है। तो अपन इसको रंगहीन करने के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा और डाइल्यूट करेंगे, यानी कि इसमें इतना ही पानी और मिला दो लगभग। मिलाएं तो आ जाओ, मिला रहा हूँ देखो पानी, इसमें से मैं आंसू जल मिला करके इसकी कंसेंट्रेशन को क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, पतला कर रहा हूँ इसको। ये लो, हो गया ठीक है भाई, थोड़ा और ले लो चाहे कोई दिक्कत ना, घर की बात है। अब इसको और मिला लो एक बार, आ जाओ। अब देखो सुनो, अभी इसका रंग कैसा है, श्वेत है, सफ़ेद कलर का है। हमें क्या चाहिए, रंगहीन विलयन चाहिए, कैसा चाहिए, पानी का जैसा। तो अब कुछ नहीं करना आपको, अभी घबराना नहीं है। अब इसको क्या करना है, दो मिनट के लिए रखा छोड़ना आपको। रखा छोड़ोगे तो जैसे अवक्षेपण की घटना होती है ना, ऐसे सेम टू सेम यहाँ पे कण जो होंगे कैल्शियम कार्बोनेट का, वो तो नीचे बैठ जाएंगे ठीक है, और बाकी का सारा आ जाए पास करो, आ जाओ करते हैं। चूना चूना नीचे बैठ जाएगा और यह चूने का पानी ऊपर रह जाएगा ठीक है। तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, देखना ध्यान से क्या तीव्र प्रोसेस के साथ में बैठने की प्रक्रिया शुरू होगी। देखो देखना शुरू करो, आ रहा है काम, ये देखो इधर देखो, यहाँ पे ध्यान से जूम कर लेना बेटा, थोड़ा दिखाना जूम करके इसको, कि यहाँ दिख रहा है ना गिलास, पर चले गिलास ही नहीं दिखा, सब कुछ दिख गया बाकी का। हाँ भाई बैठ रहा है, देखो ये बैठता हुआ दिख रहा है आपको, साफ नजर आओगा। देखो नीचे बैठ गया चूना चूना तो, और चूने का पानी ऊपर बच गया है। अब आपको क्या करना है, एक अलग बीकर लेना है, अलग बीकर लेना है साफ सुथरा सा। मैं इसको थोड़ा और साफ कर लेता हूँ ठीक है। ये मैंने क्या किया, अलग बीकर ले लिया, देखो कुछ नहीं है इसमें ठीक, कुछ नहीं है, देख लो पर ध्यान से। कभी सोच रहा आपने तो पानी पहले से ले लिया था। अब देखो यहाँ पे ये चूना नीचे बैठ चुका है, चूने का पानी ऊपर आ चुका है ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस जो निथर के ऊपर पानी आया है इसको ले लो, ये फिल्ट्रेट को ले लो ऊपर के को। देखो ये मैंने पानी ऊपर ले लिया इसका, चूने का जो भी था निथार रहे नीचे से, आपको हिलाना नहीं है इसको, ध्यान रखें हिलाना आपको इसका नहीं है, इसको आपको हिलाना नहीं है, आराम से इसके पानी पानी को ले लो। और चूना चूना नीचे बचा, अब ज़्यादा आपको लेना नहीं है, बच गए, बचा रहने जाने दो। अब देखो इसमें इसमें और इसमें अंतर आप साफ देख ले, थोड़ा बहुत बचा रह रहा है ये पानी, आप बोल सकते हो इसको रंगीन बोल सकते हो, आप लोग रंगीन बोल सकते हैं। और वो पहले कुछ अलग था, कैसे आया, इसको थोड़ी देर रखा थोड़ा। तो अब ये चूने का पानी, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे लाइम वाटर, क्या बोलेंगे इसको, लाइम वाटर बोलेंगे ठीक है। अब टेस्ट करना है तो मैंने बोला सर आप CO2 गैस लाओ, क्या लाना है, CO2 गैस लाना। तो CO2 गैस लाने के लिए मैंने एक अलग डब्बा लिख रखा है, इसमें तो CO है कैल्शियम ऑक्साइड, इस वाले डिब्बे में अमोनियम कार्बोनेट, जो ऊपर सूत लिखा था अमोनियम कार्बोनेट इसके अंदर है ठीक है। तो अमोनियम कार्बोनेट डालूंगा तो सुनना, अभिक्रिया मैंने साफ साफ लिखा है, अमोनियम कार्बोनेट में अपन तनु H2SO4 डालेंगे तो क्या होगा, अमोनियम सल्फेट बनेगा, साथ में मिलेगा हमें क्या, CO2 गैस और जल। और CO2 गैस निकले कैसे, बुदबुदाहट के साथ में, ध्यान रहे कोई इसका रंग नहीं होगा गैस का, कोई इसमें गंध नहीं होगी, लेकिन ऐसे बबल उठेंगे पानी के अंदर, बबल उठते झाग बनते हैं, तो झाग बनते हुए दिखाई देंगे देखें। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन को टेस्ट ट्यूब की जरूरत होगी थोड़ी। देखो ये लाइम वाटर आपका आ चुका है, तो एक काम करें एक साफ सी टेस्ट ट्यूब में, पहले तो क्या करो थोड़ा सा, हाँ भाई एक साफ सी टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा लाइम वाटर मैं अलग से लेके रख रहा हूँ, ये लो हो गया, ये मैंने रख दिया। अब एक दूसरी टेस्ट ट्यूब, देखो लाइम वाटर मेरे यहाँ पे रखा हुआ, ये लो है ना। अब दूसरी टेस्ट ट्यूब में मेरे को क्या करना है, थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए अमोनियम कार्बोनेट का साल्ट मैं इसमें डाल लेता हूँ, थोड़ी क्वांटिटी काफ़ी होती है, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, इतनी काफ़ी है। देखो मैंने इसमें ये डाल दी थोड़ी क्वांटिटी, आ गई इसके अंदर, देखो आ गई। अब मेरे को क्या करना है, मैं क्या करूँ, देखो इसमें से CO2 गैस निकलेगी तो ऊपर उठेगी, अब मेरे पास कुछ ऐसा तो है नहीं कि सीधा इसके अंदर चल जाए, अपन क्या करेंगे थोड़ा सा एक तरीका अपनाएं, क्या इसको मैं ऐसे दोनों नलियों को ऐसे मुँह को ऐसे मिलाऊंगा ऐसे, और दोनों को ऐसे लगा के ऊपर से ऐसे ढकने वाला हूँ, ऊपर से ऐसे ढकने वाला, तो क्या होगा गैस इसमें से निकलेगी और ऐसे अपन एक सुरंग बनाए टाइप में ऐसे मानो, तो वो इसके अंदर जाएगी ठीक है। करके फिर अपन को ऐसे करके फिर देखना है। तो अभी कैसा कलर आप देख लो ध्यान से, कैसा रंगीन है ना, करूँ बात। तो देखो अब CO2 गैस उठती हुई दिखाता हूँ पहले, तो मैं देखो कैसे आएगा, ये आपके पास रखा हुआ है क्या, डाइल्यूट H2SO4 तनु H2SO4 है, देखे ध्यान से डालूंगा, जैसे बबल निकलेंगे देखो देखो ध्यान से बुदबुदाहट के साथ ऊपर आएगा निकल के, देखो दिख रहा हो, दिखा बेटा दिखा, CO2 गैस निकली, CO2 गैस निकली इसलिए क्या हुआ, बुदबुदाहट के साथ में ऊपर ये आई, झाड़ थोड़ा था इसलिए दिक्कत आई। अब दोबारा देख लो एक बार थोड़ा सा, ये लो आ रही है। तो अपन क्या करते हैं थोड़ा सा साल्ट इसमें ले करके, और ये टेस्ट ट्यूब में ले रहा हूँ पहले से ही, देखो अलग पहले इसमें डालते हैं थोड़ा सा, हाथ पर दूर रखे भाई सिड़े, तो आ रही बुदबुदाहट के साथ में गैस, मैंने क्या किया ये मिला दिया, लो है ना कुछ नहीं किया, देख लो मैंने इनको मिलाया नहीं आपस में, बस मैंने इतनी व्यवस्था की है कि ये इसमें से गैस निकलने वाली इसके अंदर चली जाए, चली गई होगी अब तक,
अब मैंने इसको क्या किया, बंद किया और हिलाया, ठीक है, चेक कर ले। अब देखो ये कलर कैसा हो गया, बताओ ये कलर कैसा हो गया। चूने का पानी ऐसा था और ये कैसा हो गया, देख ले आप ध्यान से एक बार, अंतर आ रहा है साफ साफ। ये कैसा, इसलिए कैसा हुआ, देखो इसमें अलग से क्रिस्टल से बने हुए दिखाई दे रहे होंगे तुम लोगों को, ठीक है। वो क्रिस्टल किसके बने हुए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए हैं। ऐसा होने से समझ जाओ, अगर ऐसा हो रहा है तो जो गैस इसके अंदर से बुदबुदाहट से निकली थी, देख लो इसका भी रंग कैसा कलर लेस है, लेकिन ये कैसा हो गया, गैस जाते ही कैसा हो गया, श्वेत कलर का हो गया है, ठीक है। तो ये बात आ रही, इस तरीके से अगर ऐसा हो जाता है तो आप समझ जाओ कि आपके यहाँ से जो गैस निकली वो कौन सी थी, CO2 गैस थी। तो इस तरीके से आप लोगों ने आज सीखा चूने का पानी कैसे बनाया जाता है, ठीक है, और उसे CO2 गैस के लिए टेस्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट करके जरूर बताएं, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।